हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम ये वाले स्पार्क्स के स्नीकर्स स्लिप ऑन देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, अनबॉक्सिंग से लेकर बहुत सारी मैं डिटेल इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट डील मुझे मिली है अमेजोन पे आज तक। चलो फिर वीडियो की फटाफट से अनबॉक्सिंग से शुरुआत कर लेता हूँ। दोस्तों, ये शूज़ को आने में ना सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगे और 2 दिन में मुझे डिलीवरी मिल गई। ये मुझे 318 रुपये के पड़े, इसके लिए मैंने इसे ऑर्डर किया। पहले मैंने 9 साइज़ मंगाया था, वो थोड़ा बड़ा था, इसके लिए मैंने फिर एक्सचेंज करके 8 लिया है और मुझे लगता है 8 मुझे परफेक्ट ही आ जाएगा जितना मेरा जजमेंट है। बॉक्स की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, बट ये शूज़ के रिव्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे, इसके लिए मैंने इसे ख़रीदा है। और सिर्फ 318 रुपये के थे, इसके लिए मैंने इसे ख़रीदा। बहुत ज़बरदस्त डील लगी है और मिली है। दोस्तों, आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ है 8 साइज 26.20 सेंटीमीटर्स। अपना साइज़ मेजर करके मंगाना दोस्तों और रिटर्न पॉलिसी वगैरह देख लेना। और ये मेड इन चाइना है स्पार्क्स, थोड़ा बहुत खुद का प्रोडक्शन मेड इन चाइना करता है, लेकिन मैक्सिमम स्पार्क्स के शूज़ वगैरह सब कुछ मेड इन इंडिया ही होते हैं। चलो फिर फटाफट से इसको निकाल के देख लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा कमाल है, दिखने में तो फैंटास्टिक लग रहा है, एकदम स्लिप ऑन है ये, इसमें लेस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और ना इसमें दिए गए हैं, और ये एकदम परफेक्ट फिट आते हैं दोस्तों। और टाइम के साथ हल्का सा लूज़ होते हैं पहनने के बाद, हर स्लिप ऑन होता है यही नहीं सिर्फ। और देखो इसका ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ऊपर कैनवास मटेरियल दिया गया है, पीछे मरून कलर का कैनवास दिया है जो कि नॉर्मली शूज़ में होता है। और आगे का इसका जो फ्रंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप है, बट हाँ थोड़ा मैट फिनिश जैसा ही लग रहा है वो। और उसका टेक्सचर थोड़ा सा रफ़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है पहनने के बाद, तो और ही ज़्यादा मस्त लगते हैं दोस्तों। इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मस्त दी गई है। ये देखो, ये इसका इलास्टिक है, इसके इलास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी मोटी बढ़िया है। और ये देखो, ये लेबल हर एक स्पार्क्स के शूज़ के साथ आता है, उसको क्लीन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह आप देख लो एक बार पॉज करके अगर आप देखना चाहते हो तो। और दूसरा वाला जो टैग है वो MRP का है, और इसके अंदर कोई भी टाइप का स्पंज वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ही फैब्रिक दिया गया है। पीछे एकदम हल्की सी पैडिंग दी गई है, और इसका जो ये है मतलब इनसोल, उसमें भी एकदम हल्की सी पैडिंग दी गई है। इसमें हार्डली 1 इंच की हील होगी, 1 इंच से भी थोड़ी कम ही है। पीछे का सोल भी बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन वाला है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो यहाँ पर साइज़ वगैरह इसका प्रिंट किया गया है, और अंदर भी कोई भी टाइप की पैडिंग नहीं है, डायरेक्टली ही कैनवास कपड़ा है। पीछे का सोल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रिप दी गई है, और ये रबर मटेरियल है। हावेवर अमेजोन पे मेंशन नहीं किया गया है कि इसके ऊपर कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है सोल के अंदर, बट हाँ जितना देख के रबर ही लग रहा है। दूसरे वाले को भी एकदम अच्छे से देख लेते हैं, इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। और ये मुझे लगता है 6-8 महीना आराम से चल जाएगा अगर आप डेली में पहनोगे तो भी। और हाँ, ये वाटरप्रूफ शूज़ नहीं है, क्योंकि ये कैनवास शूज़ और कैनवास शूज़ कभी वाटरप्रूफ नहीं होते। इसकी भी 30 डेज़ की मैन्युफैक्चरर वारंटी होती है, बट 30 डेज़ में शूज़ को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बाद ही फ़र्क पड़ता है। और देख के तो लग रहा है 6-8 महीने आराम से निकाल लेगा। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल है। अभी मैं आप लोगों को थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूँ, अब आप खुद देख लो और खुद जज कर लो मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बता दो आपको ये फ़र्स्ट इंप्रेशन में ये शूज़ कैसे लगे, वो भी मुझे नीचे बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कमाल लगे, इसको आप शॉर्ट्स पे भी पहन सकते हो और जीन्स पे भी पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाले शूज़ है दोस्तों ये। सबसे बेस्ट बात, इसमें लेस नहीं है, ये स्लिप ऑन है, आप तो कहीं भी पहन सकते हो और कहीं भी फटाफट उतार सकते हो, या इससे आपका टाइम भी बचेगा। और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक क्लासी डिफरेंट लगते हैं। इसमें ना दोस्तों 3-4 कलर भी आते हैं, जैसे मरून है पीछे, वैसे इसमें ब्लू कलर भी आता है, और पूरे आर्मी टाइप के भी आते हैं, बट आजकल वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल प्रोडक्ट है, उसके भी रिव्यू वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें है ना हील नहीं है, बाकी एकदम परफेक्ट है शूज़। थोड़ी हील हो जाए ना, मतलब 1 इंच जितनी, तो और ही ज़्यादा कमाल लगेंगे, जैसे वो वैंस के शूज़ आते हैं वैसे ही। ये कुछ वैसे ही है, बट हाँ इसमें हील नहीं है मैं कहूँगा। अब मुझे नहीं पता क्यों इसे ऐसे डिज़ाइन किया है, बट ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लुक देते हैं और एकदम ही लाइट वेट है रबर सोल होने के बावजूद भी। और स्पार्क्स आजकल बहुत ही ज़्यादा नए नए इनोवेशन कर रहा है, नए नए प्रोडक्ट ला के, और वो जितने भी शूज़ लाते हैं ऑलमोस्ट सबके सोल को डिज़ाइन कर देता है रजिस्टर करके, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तो कोई और इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। अब
अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते से मैं इसे पहन रहा हूँ और लेग पेन बैक पेन वगैरह वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें हील कम है फिर भी एकदम मस्त लगता है दोस्तों। ये पहनने में भी उतारने में भी एकदम कंफर्टेबल है। लॉन्ग आर्स तक भी आप इसे पहने रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मैंने इसे बिना कोई सॉक्स के पहना है और स्मेलिंग की वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और स्मेल की जो प्रॉब्लम आती है वो अगर आप कीचड़ वाले पैर जूतों में पहन लेते हो फिर वापस उतारते हो तो वापस पहनते हो तब वो स्मेल आती है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। बाकी तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्थ और वैल्यू फॉर मनी डील लगी। इसका प्राइस अगर 500-600-700 रुपए भी हो जाए तो आराम से बहुत अच्छे प्राइस में बिकेगा ये शूज़, और बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। और इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस यही चलता रहता है, बट पता नहीं कैसे 318 रुपए हो गया। तो मैंने तुरंत टाइम ना गंवाते हुए तुरंत इसे ख़रीद लिया। इसकी MRP है 999 रुपीज़ और ये ऑफलाइन मार्केट में भी इतने का ही बिकता है। मतलब कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता स्पार्क्स के शूज़ पे, सैंडल पे, कोई भी चीज़ पे, क्योंकि एकदम धड़ल्ले से बिकते हैं और एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी होते हैं। स्पार्क्स ना सब बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे ही जूते बनाता है, सिर्फ प्राइस कम रखता है। क्वालिटी में भी कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा। अगर आपको लगा है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे ऊपर ये शूज़ कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये वाले शूज़ का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं बहुत सारे दूसरे स्पार्क्स के शूज़ का भी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से चेकआउट करके ले लेना। और हाँ, आपके भी दिमाग में कोई शूज़ है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जिसके रिव्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो भी मुझे नीचे मॉडल कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर उसे देखूँगा, हुआ तो उसका भी वीडियो बना दूँगा। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो से ज़रा सी भी आपको मदद मिली हो या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।